एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग पूजा हो गई है। भोग वगैरह लगाने के बाद मैं कान्हा जी को झूला झूला रही हूँ। और आज जो कान्हा जी ने पोशाक पहनी है वो झिलमिल झिलमिल चमक रही है, क्योंकि उसमें कुछ सिक्वेंस का काम है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जगमग जगमग कर रही है। पूजा के बाद आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पिज्ज़ा ब्रेड, तो ये मैं बच्चों को लगा करके देख रही हूँ। और बाकी जो स्लाइसेस हैं उन्हें मैं तवे पे ही रखे रहने दे रही हूँ। तो ये मेरा नाश्ता बन करके रेडी है, तो आइए मेरे साथ नाश्ता कीजिए। आज दोपहर के लंच में बनाने वाली हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेरा छोटा वाला बेटा बोलता है कि मम्मी कौन सी सब्ज़ी बनाई, डिफरेंट आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो देखिए, सब्ज़ी में मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी को चला दिया और इसे ढक देंगे और भाप में सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जो बीन्स का स्वाद है वो अपने आप में ही गजब है। तो सब्ज़ी बन करके रेडी है। और उसके बाद दोपहर के बज गए हैं 2, तो मैं आई हूँ बाहर। तो हल्की हल्की सी बौछार देखी अभी फ़र्श पर हुई है, और बारिश का मौसम तो कुछ ऐसा ही है, कभी एकदम से ज़ोरों से हो जाती है, कभी रुक जाती है, और कभी कभी तो कई दिन तक पानी नहीं बरसता जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बट आज लग रहा है कि आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल लग रहे हैं, और इसके अनुसार लगता है कि पानी बरस सकता है, बट कितना बरसेगा पता नहीं। और ये देखिए, मेरी क्यारी में फूल निकल आया है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना ज़्यादा साउंड है जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। और बारिश होते हुए अभी 1 घंटा हो गया, और देखिए पानी पूरा रूम के बाहर तक आ गया, जिसकी वजह से दरवाजे के पास पड़ा हुआ पौधन पूरा गीला हो चुका है। और मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ी सी हटखेलियाँ कर लेती हूँ, और मेरा बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा है। और बट मेरा ट्राईपॉड टूटा है और इस समय कोई सूट करने वाला भी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को आज बारिश पे भीग करके दिखाती और इस ब्लॉग को आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से पौधे कुछ झुक गए। ये बड़ा प्लांट है तो ये काफ़ी झुक गया है, और पूरे गमले जो हैं यानी पॉट पानी से भर गए हैं, पूरा गार्डन पानी से भर गया है, और घास तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ये बिल्कुल उसी दिन वाला मौसम हो गया जैसे अभी मैंने आप लोगों को उस दिन शेयर किया था कि कितनी ज़ोरों की बारिश हुई। उतनी ज़ोरों की तो नहीं हुई है, लेकिन बारिश काफ़ी ज़ोरों से हुई है। जो पानी की बौछार आई है उससे जो साइड में जो डोरी पे कपड़े वगैरह फैले थे वो सब भी पूरे गीले हो गए हैं, पूरी फर्श गीली हो गई है। ये देखिए, मैं कपड़ों से पानी आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए कि मतलब जो बौछार उसकी से पानी कपड़ों तक आ गया और कपड़े गीले हो गए। तो मैंने हल्का से इसको हाथ से ही निकाल दिया है, और बारिश अभी भी लगातार हो रही है। और बारिश का आनंद लेने के लिए मैं यहीं पे बैठी हूँ, बट मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, बट कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था, तो मैं आप लोगों से ओवरवाइज करके बात कर रही हूँ कि देखिए सब तरफ गीला ही गीला। और ये मेरी चेयर पे कपड़े रखे थे, समझ लीजिए इस पर भी कुछ कुछ हल्का हल्का सा पानी आ गया, और उनको मुझे दोबारा फिर से बारिश बंद होने के बाद फैलाना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें देखिए कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मतलब बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और जो आज बारिश हुई है उसमें तो आपको देखिए क्लियर दिख रहा है, बट पानी अभी भी काफ़ी तेज़ ही बरस रहा है और पूरा गार्डन भरा हुआ है। आज ऊपर से नज़ारा देखेंगे कैसा दिख रहा है। और ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का लुक दिखाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा साउंड कम आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं ऊपर जा रही हूँ। तो चलिए देखते चल के ऊपर क्या स्थिति है पानी की। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर तो बारिश नहीं लग रहा है कि है, पानी काफ़ी तेज़ है। और अब बज गए हैं शाम के 4, और लाइट अभी भी नहीं आई है।
मेरा टावर यानी कि जो जो जीने हैं, देखिए ये स्टेयर है मेरी, तो ये ऊपर को जीने जाते हैं और इसके बगल से ही देखिए ये खिड़की है और खिड़की से लगा हुआ ये टावर है। यहाँ से आप नीचे का लोकेशन देख सकते हैं। मैं टावर से देखने की कोशिश कर रही हूँ क्या कुछ और नया दिख रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बस ये दिख रहा है कि गली में कोई भी नहीं है और सब तरफ पानी ही पानी है। ये है मेरा मेन गेट और ये आपको दिख रहा है मेरा घर और जस्ट बगल में है नेवर का हाउस, देख सकते हैं और यहाँ का लुक और नज़ारा भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे, मिट्टी को कर देती हूँ एक बार और इस तरह किस तरीके से और चलते हैं नीचे। और ये मेरी सेकंड फ्लोर की खिड़की है और ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से अपने बाहर का नज़ारा। ये है मेरा टीन सेट जो कि ब्लू कलर का है और यहाँ से आप देख सकते हैं खिड़की पर बूंदे बारिश की अभी भी लटक रही हैं क्योंकि पानी जो है धीरा हो गया है बट अभी बंद नहीं हुआ है। और यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है पानी बंद हो गया बट लेकिन पानी बरस रहा है अभी भी। तो अब मैं खिड़की को बंद करके चलती हूँ नीचे क्योंकि देखिए कुछ लोग गली में आपको जाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए बहुत ही नज़ारे को कैद कर लिया है और अब चलते हैं नीचे, नीचे का काम भी देखते चल के। तो खिड़की को मैंने कर दिया है बंद और अब मैं जा रही हूँ नीचे। खिड़की को वैसे कभी कभी खोल देते हैं लेकिन बारिश के मौसम में मोस्टली इसे बंद रखते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ सबसे नीचे वाले फ्लोर में यानी जिस पे हम लोग रहते हैं उस वाले फ्लोर पे मैं आ गई हूँ और बारिश अब कुछ थोड़ी सी स्लो हो गई है, अच्छी खासी बारिश हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर और काफ़ी अंधेरा आपको लग रहा है क्योंकि लाइट्स नहीं आ रही है और सिर्फ एक LED चल रही हुई है। तो लाइट ना आने की वजह से काफ़ी अंधेरा आपको लग रहा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और बारिश ने काफ़ी कुछ भिगोया है और जैसा लग रहा है सब कुछ शांत शांत सा है, लाइट अभी भी नहीं आई है। और मैं बना रही हूँ अब चाय, तो ऐसे मौसम में अदरक वाली चाय पीने का कुछ अलग ही आनंद आता है। लाइट काफ़ी देर से नहीं है लेकिन गर्मी का एहसास मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और इस बारिश ने मौसम को काफ़ी ठंडा कर दिया है क्योंकि शाम भी हो गई है। तो शाम को वैसे भी मौसम काफ़ी चेंज हो जाता है पर जिस दिन गर्मी होती है तो उस दिन बहुत दिक्कत होती है, बट आज के मौसम ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। तो बन गई है मेरी चाय कड़क और अदरक वाली। तो चलिए मेरी चाय रेडी हो गई है, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पीजिए और लाइट अभी तक नहीं आई है, देखिए कितनी देर में लाइट आएगी। अब मैं आ गई हूँ बाहर और ये देखिए पानी बंद हो चुका है और सब कुछ कितना शांत शांत सा लग रहा है। अब मैं लग जाऊँगी अपने इवनिंग रूटीन में और इवनिंग रूटीन के बाद देखिए मैंने कर ली है इवनिंग की आरती यानी शाम की आरती और मैं अपने कान्हा जी को आपको पास से दिखा रही हूँ। तो कितने जगमगा रहे हैं मेरे कान्हा जी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें।